नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो नया एटीएम कार्ड आया है उसका नया पिन कैसे जनरेट करेंगे। इसके लिए मैंने इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड से पिन जनरेट किया है। सबसे पहले ऑनलाइन एसबीआई पे लॉगिन करने के बाद आइए लाइव डेमो बताता हूँ कि किस तरीके से एम पिन जनरेट हुआ था मेरे एटीएम कार्ड का। मोबाइल का पिन जनरेट करने के लिए आपको ई सर्विसेज पे जाना है, फिर एटीएम कार्ड सर्विसेज पे जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एटीएम पिन जनरेशन, यहाँ पर आप यूजिंग वन टाइम पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप पर एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर आपके सामने दिखेगा, फिर उसके बाद आपको आपका कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है आपको, फिर सबमिट की बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद सिस्टम आपसे मांगेगा कि दो डिजिट जो शुरू की आप अपने अनुसार चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद एक दो डिजिट और आपके मोबाइल पर आती है, वो आपको कंबाइन करके एंटर करना है। शुरू में दो डिजिट, फिर वो दो डिजिट जो मोबाइल पर आई है। सबमिट की बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपका एटीएम पिन सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, आप नए एटीएम पिन को यूज़ कर सकते हैं एटीएम में जा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।